अभी ट्रेन कहाँ है? ट्रेन है यहाँ पे, हॉर्न दे के निकल रही है, लेकिन मुझे ट्रेन नहीं दिख रही। मतलब ट्रेन आई और चली भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम गेम प्ले करने वाले हैं इंडियन ट्रेन सिम 2023 का। जी हां गाइस, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होंगे, आज हम चलाने वाले हैं सैफ्रॉन कलर की वंदे भारत, जो कि लॉन्च हुई है 2023 में। और ये मेरा पहला गेम प्ले है सैफ्रॉन के साथ, तो मैंने पेंटोग्राफ को ऑन कर दिया है और यहाँ से हमारा डिपार्चर का टाइम हो चुका है। मैं सारे एंगल दिखा देता हूँ। ये बैक साइड है इसका, मैं ये देखिए, ये अंदर का इंटीरियर है और ये क्या तो लुक है गाइज। और आज हम जर्नी करने वाले हैं न्यू दिल्ली से कानपुर तक, जो कि है 440 किलोमीटर, 440 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। एक हॉर्न के साथ हमने यहाँ से डिपार्चर शुरू कर दिया है। और गाइज, इसका जो ट्रैक साउंड है और रेलवे स्टेशन पर जो अनाउंसमेंट है, बहुत ही गजब है गाइज। आप ये देखिए, यहाँ से न्यू दिल्ली से हमारा डिपार्चर हो चुका है वंदे भारत का। सुपर फास्ट स्पीड में हम यहाँ से जर्नी करने वाले हैं, क्योंकि ये वंदे भारत है। जैसा कि आप जानते हैं, वंदे भारत सुपर फास्ट स्पीड से चलती है, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो आप इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो बेल आइकन दिख रहा है उसे जल्दी से हिट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका जो गजब ऊपर का जो कलर दिख रहा है और जो गेम्स में इसमें जो बनाया गया है ना, बहुत ही गजब लग रहा है देखने में, मजा ही आ गया देखने में। यहाँ पे बीच बीच में क्रॉसिंग भी होने वाली है, तो आप क्रॉसिंग भी देखिए और इसमें बहुत सी गजब गजब की चीज़ें होने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर से एंड तक देखिए। और हाँ, आज इस वीडियो का एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि 100 लाइक आज इस वीडियो पे हमें करना है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो 100 लाइक जरूर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमें स्पीड थोड़ी कम करना होगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग होने वाली है। आई थिंक राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग है, क्योंकि छोटी मोटी कोई ट्रेन तो इसे क्रॉस करने से रही। वैसे तो राजधानी भी इसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन गेम में क्रॉसिंग है तो हमें ऑफकोर्स क्रॉसिंग के लिए रुकना ही होगा, अदरवाइज हमारी लेवल फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें येलो सिग्नल दे दिया गया है गाइज, और यहाँ पे हमने काफ़ी स्पीड कम कर लिया। और भाई साहब क्या, तो 1 मीटर अगर आगे चले जाते ना, लेवल हो जाती हमारी फेल। क्या तो हमने टाइमिंग के साथ रोका है ना, मजा ही आ गया। 2000 years later. यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कोई जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई राजधानी एक्सप्रेस हमें सुपर फास्ट तरीके से यहाँ से क्रॉस करके निकल रही है। हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं, और ये देखिए क्या तो स्पीड में यहाँ से निकली है। ओके, मजा ही आ गया क्रॉसिंग देख के। बैक साइड से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका बैक साइड है। एक्चुअल में वंदे भारत आगे पीछे दोनों तरफ से सेम दिखती है, क्योंकि इसके दोनों पीछे लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं, जो कि कोच में ही जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ से अब हमारा निकलने का समय हो चुका है, क्योंकि क्रॉसिंग हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ स्कैम भी हुए इस गेम में, जब मैं ये गेम प्ले कर रहा था तो कुछ स्कैम भी हुए, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आप वो स्कैम भी देखिए, जो कि थोड़े फनी स्कैम थे, आप जरूर से देखिए। ओके, और यहाँ पे ये देखिए, या तो स्पीड पकड़ लिए, मतलब जो स्पीड ये ट्रेन पकड़ लेती है ना, बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है स्पीड। और यहाँ पे हमें अभी 384 किलोमीटर की डिस्टेंस और कवर करना है। तो यहाँ पे हम सुपर फास्ट स्पीड के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। शानदार क्रॉसिंग हमारी यहाँ पे हमें देखने को मिली थी राजधानी एक्सप्रेस की, जो कि जा रही थी न्यू दिल्ली, और हम न्यू दिल्ली से आए हैं। यहाँ से हम रेलवे फाटक पे क्रॉसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर का इंटीरियर देखिए, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं इसमें, क्योंकि ये चेयर कार है। एंड यहाँ पे ये दूर व्यू गाइज, क्या लग रहा है दूर व्यू, गजब है बॉस, गजब, एक नंबर बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे कंटेनर रखे हुए काफ़ी सारे, लगता है हम कुछ अलग एरिया में आ चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेनर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दूसरी साइड का गेट व्यू है,
जो कि बहुत ही गजब लग रहा है देखने में। ये पहली बार मैं सैफ्रॉन कलर की वंदे भारत चला रहा हूँ। आपको ये वंदे भारत कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए शानदार तरीके से सुपर फास्ट स्पीड में अभी हमारी 150 की स्पीड में हम यहाँ से निकल रहे हैं फुल स्पीड के साथ। हाईएस्ट स्पीड इसकी 160 है, लेकिन हम 150 की स्पीड में यहाँ से निकल रहे हैं, जो कि गजब है बिल्कुल। बाय गॉड, मज़ा ही आ जाता है ऐसी स्पीड देख के। और यहाँ पे ये क्या, मुझे थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पे रोकना पड़ेगा। मुझे लग रहा कोई ट्रेन यहाँ पे आने वाली है। ओके, तो वेट करते हैं। हॉर्न की आवाज़ आ रही है मुझे ट्रेन की, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। अभी ये क्या, अबे ट्रेन की आवाज आई और ट्रेन निकल भी गई, लेकिन मुझे ट्रेन नहीं दिखी, मतलब कुछ भी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मेरे साथ इस गेम में प्रैंक किया जा रहा है, मतलब मतलब इनकी तो क्या बोला तूने। चलो अब छोड़ते हैं, और क्या कर सकते हैं, अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो हॉर्न दे दिया है हमने यहाँ पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में, और जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और जो कि हाईएस्ट 160 तक चल सकती है, और यहाँ किसी ब्रिज के नीचे से हम निकल रहे हैं। इसमें शैडो वगैरह भी बहुत ही गजब लगती है देखने में। एंड गाइज, अगर आपने ये गेम नहीं खेला तो मैं आपको बता दूँ, इस गेम का नाम है इंडियन ट्रेन सिम 2023, जो कि ईजिली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप जाइए इसे डाउनलोड करिए, एंड ये बहुत ही गजब गेम है। इसके जो ग्राफिक है ना, बहुत ही क्लासिक है। लाइन देखिए क्या गजब की लाइन बन गई, इसके जो ग्राफिक हैं बहुत ही क्लासिक हैं। अब मज़ा ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ किसी ब्रिज से हम निकल रहे हैं, और आपको ऊपर से दिखाता हूँ गाइज, यहाँ पानी हिल रहा है। सॉरी, पानी तो हिलता ही है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए क्या तो निकली है हमारी ट्रेन ब्रिज के ऊपर से, और जो व्यू था ना बहुत ही गजब था। एंड तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अच्छी खासी स्पीड के साथ। स्पीड थोड़ी सी स्लो हमने करी थी ब्रिज के ऊपर, क्योंकि ब्रिज के ऊपर जाना और स्पीड में जाना मतलब सो डेंजरस, यू नो। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, और गाइस इसका अपडेट भी आया था, आई थिंक इसका अपडेट आया था 21 अगस्त को, 21 अगस्त को इसका शायद से अपडेट आया था, जिसमें बहुत सी चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव करी हैं। आप प्ले स्टोर पर जाके इनके अपडेट वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या अपडेट आए थे। कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे कानपुर जंक्शन, आई थिंक कानपुर जंक्शन ही है या फिर क्या है, आप कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पे 403 किलोमीटर लिखा आ रहा है, लेकिन इस गेम में क्या होता है, शुरू में तो सही चलता है, लेकिन जब पहुँचने वाले होते हैं तो एकदम से किलोमीटर 5 या 6 हो जाते हैं, तो ऐसा चलता है इसमें। अभी आप देखिए, ओके ये देखिए ऑटोमेटिक इसमें किलोमीटर 0 हुआ है, तो ऐसा इसमें चलता है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फाइनली गाइस कानपुर जंक्शन पर, और यहाँ पे क्या तो अराइवल ले रही है हमारी वंदे भारत, जो कि ऑन द टाइम यहाँ पे हमने पहुँचा दिया है हमारी वंदे भारत को, सैफ्रॉन कलर की वंदे भारत को हमने पहुँचा दिया है कानपुर जंक्शन पर, जो कि चली थी न्यू दिल्ली से। और यहाँ पे हमें पहुँचाना होगा इसे बिल्कुल, कोच पोजीशन बिल्कुल सही रखनी होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी वंदे भारत को लगाया गया है, तो यहाँ पे हमारी वंदे भारत पहुँच चुकी है। तो गाइज यहाँ पे फाइनली हमने हमारी जर्नी को सक्सेसफुल कर दिया है। तो बस गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।